हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुन्ना कुमार। आप देख रहे हैं मार्शल आर्ट्स के कराटे में स्ट्रेचिंग सीरीज। इस सीरीज में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताने वाले हैं, जिसके वजह से हमारा बॉडी एकदम अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाएगा और हमारा फ्लेक्सिबिलिटी और भी बढ़ जाएगी। मार्शल आर्ट्स यानी किसी भी स्पोर्ट्स में सबसे ज़रूरी होता है हमारा बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि स्ट्रेचिंग और वार्म अप्स। तो वो अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रेचिंग पर। तो ये मेरा थर्ड पार्ट है पिछले वीडियो का। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए सबसे पहले हैंड को थोड़ा सा कर लेंगे स्ट्रेचिंग, और कमर को भी करेंगे। इस पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम अपने कमर को ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कैसे करें, उसी पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। और नेक्स्ट लेवल पे इससे भी ज़्यादा स्ट्रेचिंग करने के लिए हम मयूर यानी कि चक्रासन करेंगे, और जिसको बोलते हैं ब्रिज एक्सरसाइज बोलते हैं। तो अब हम स्टार्ट चक्रासन करने के लिए पहले हम अच्छे तरीके से लेट जाएंगे इस तरह बराबर, और दोनों हाथों को कंधे के पास में इस तरह साइड में रखेंगे और पैरों को पास में रखेंगे। जितना ज़्यादा पास रखेंगे उतना अच्छा हमारा चक्रासन होगा, और हमारा जो रीढ़ की हड्डी है बैक बोन वो अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाएगी। इस तरह हम धीरे धीरे उठने की कोशिश करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके और उठेंगे और हील को अप करेंगे। डाउन, इसको हम तीन बार करेंगे। तीस सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है ताकि हमारा पीछे का बैकबोन अच्छे तरीके से स्ट्रेच हो जाए और फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर आ जाए। तो इस तरह हमारा हो गया। और दूसरा है इस तरह पैरों को सीधा करना है,
और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने सिर को घुटनों में सटाने की कोशिश करना है। और थर्ड नंबर है हमारा, पैरों को इस तरह पास में कर देंगे और इसको दूरी रखेंगे। और अब सिर को घुटनों में सटाने की कोशिश करेंगे इस तरह। लेफ्ट वाला हाथ को पीछे ले जाएंगे और राइट वाला हाथ को आगे ले जाएंगे और सिर को सटाने की कोशिश करेंगे। इससे हमारा पीठ अच्छे तरीके से, बैक साइड ही स्ट्रेच अच्छे तरीके से हो जाएगा और लेग जो स्ट्रेच इसमें होता है। लेग चेंज, अपोजिट हैंड से अपना लेग को पकड़ना है, अपोजिट हैंड से अंगूठे को पकड़ना है और अपने सिर को घुटनों से सटाने की कोशिश करना है। तो इस तरह हमारा ये थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हमें इस तरह वज्रासन, ये एक्सरसाइज वज्रासन है जिससे स्ट्रेचिंग हमारा थाई और हमारा कमर एक्सरसाइज इसमें हो जाता है अच्छे तरीके से। तो इस एक्सरसाइज में हमें ऐसे बैठना है और हिल के ऊपर हमें ऐसे बैठना रहता है, पंजों को सीधा रखना है और ऐसे बैठना है और हमें पीछे की तरफ इस तरह, ताकि हमारा अच्छे तरीके से कमर स्ट्रेच हो जाए। और पीछे की तरफ धीरे से एक हाथ को ले जाना है, फिर उसके बाद दूसरा हाथ लेना है और धीरे धीरे नीचे के साइड झुकना है ताकि स्ट्रेचिंग हो जाए जितना ज़्यादा हो सके। और जितना ज़्यादा हो सके धीरे 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 हाथ को इस तरह कर लीजिए, फिर इस तरह, फिर पीछे, फिर आगे हाथ करके धीरे से उठने की कोशिश करना है, साइड से होके उठने की कोशिश करना है। वंस अगेन, एक बार और, फिर हाथ को पीछे ले जाएंगे और फिर इस तरह पूरा स्ट्रेच करेंगे ज्यादा से ज्यादा। सेकेंड तक होल्ड करके रखेंगे। अब धीरे धीरे साइड से होकर उठेंगे या। तो देखा आपने किस तरह हमने कमर को अच्छे से स्ट्रेच किया और बैक को भी अच्छे तरीके से स्ट्रेचिंग किया। इससे हमारा बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पहले से ज़्यादा आ चुकी है। और इसी तरह आप अपने घर में प्रैक्टिस कीजिएगा तो और ही ज़्यादा बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। तो बने रहिएगा इस सीरीज में। अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको फोर्थ पार्ट में दिखाने वाले हैं लेग स्ट्रेचिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो कराटे में हकीक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है लेग स्ट्रेचिंग। तो वो अभी बाकी है, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाले हैं।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ओस।